बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स माय नेम इज़ अमीर अब्दुल्ला आई एम योर केमिस्ट्री टीचर स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स बेंजीन इज वन ऑफ द एलिमेंट्री पेट्रोकेमिकल बेंजीन क्या है वन ऑफ द एलिमेंट्री पेट्रोकेमिकल एंड नेचुरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल से हम एरोमेटिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं उनमें बिंजीन भी है स्टूडेंट्स, कलर जो है तो बिंजीन कलरलेस लिक्विड है स्मेल इसका गैसोलीन लाइक -like है और बर्निंग टेस्ट है इसका हाईली इनफ्लेमेबल है जितने भी पेट्रोकेमिकल को अगर हम देख लें, तो तकरीबन सारे इनफ्लेमेबल होते हैं और बेंजीन भी हाईली इनफ्लेमेबल है यह हमें सोटी फ्लेम देता है दुआदार शोले के साथ जलती है और अगर इसकी सॉल्युबिलिटी को देखा जाए तो यह वाटर में इनसॉल्युबल है जबकि ईथर, अल्कोहल और पेट्रोल वगैरह में सॉल्युबल है वजह क्या है स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक बिंजीन क्या है एक नॉन पोलर कंपाउंड है तो नॉन पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं और वाटर क्या है वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है तो ये पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता हाइली टॉक्सिक है बिंजीन क्या है हाइली टॉक्सिक है बल्कि कार्सिनोजेनिक है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.878 है इट इज लाइटर देन वाटर वाटर के साथ सोलबल भी नहीं है और अगर हम इसको वाटर के साथ मिक्स करें तो अपर लेयर में हमारे पास बेंजीन एकमुलेट होगा यानी वाटर में इनसोलुबल है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.878 है मेल्टिंग पॉइंट इसका फाइव पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड जबकि बॉइलिंग पॉइंट एटी पॉइंट टू डिग्री सेंटीग्रेड स्टूडेंट्स ये फिजिकल प्रॉपर्टी है किस चीज के बेंजीन के यानी बेंजीन क्या है कलरलेस लिक्विड है गैसोलीन लाइक -like इसका स्मेल है क्योंकि ये क्या है पेट्रोकेमिकल से हम हासिल करते हैं बर्निंग टेस्ट है हाईली इनफ्लेमेबल है, है दो आधार शोलों के साथ जलती है और वाटर में क्या है इन जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में लाइक अल्कोहल ईथर और पेट्रोल वगैरह में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या है सोलबल है और टॉक्सिक है स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 0.87 मेल्टिंग पॉइंट 5.5 और बॉइलिंग पॉइंट 80.2 डिग्री सेंटीग्रेड है स्टूडेंट्स हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जिस तरह हमें पता है कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सी सिक्स एच सिक्स है शुरू में हम पढ़ चुके हैं इसके मलिकुलर फॉर्मूले के बारे में यह सिक्स मेंबर रिंग पर है। है कितने मेंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी हम हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके थे जिसमें हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो बेंजीन क्लोज्ड चैन हाइड्रोकार्बन यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मेंबर है तो इसमें सिक्स मेंबर रिंग है यानी क्लोज्ड चैन पर मुश्तमिल है सिक्स मेंबर रिंग है और ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड बेंजीन में अगर हम देख लें तो हर कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एक एक ऑर्बिटल इसका वो अनहाइब्रिडाइज यानी इस अरबिटाल को अगर हम देख लें तो ये इस कार्बन का पी आरबिटाल अनहाइब्रिडाइज इसी तरह दूसरे कार्बन का पी आरबिटाल अनहाइब्रिडाइज चूंकि ये सिक्स मेंबर रिंग है तो जो आपको रेड नजर आ रहे हैं ये क्या है ये अनहाइब्रिडाइज्ड अरबिटाल है किस चीज के बेंजीन के कार्बन एटम के और कार्बन जो है जितनी भी कार्बन मेंबर्स है सबके सब एस पी टो हाइब्रिडाइज है इच कार्बन ऑफ द रिंग इज लिंक टू आदर बाई एस पी हाइब्रिड आरबिटॉल्स एंड विद एस आरबिटॉल ऑफ द सिक्स हाइड्रोजन एटम्स बिन्न सिक्स कार्बन और सिक्स हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है तो कार्बन कार्बन के दरमियान अगर हम सिग्मा बांड देख लें ये सिग्मा बांड sp2 sp2 हेड ऑन ओवरलैपिंग से बना है यह हमारे पास क्या है यह हमारे पास स्टूडेंट्स sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड दिस कार्बन और यह sp2 हाइब्रिड हाइब्रिड ऑफ दिस कार्बन इनकी ऑन ओवरलैपिंग से हमारे पास क्या बना है इनकी ऑन ओवरलैपिंग से यह सिग्मा बांड प्रोड्यूस हुआ है इसी तरह इसी कार्बन का दूसरे कार्बन एटम के साथ भी ऑन ओवरलिपिंग से सिग्मा बांड बना है यह आर्बिटाल हमारे पास एसपी टो हाइब्रिड और यह आरबिटाल भी एसपीठो हाइब्रिड एसपी एसपीटो हाइब्रिड आर्बिटाल की ओवरलिपिंग से सिग्मा बांड इसी तरह इसी कार्बन का दूसरे कार्बन के एसपीठो हाइब्रिड आरबिटॉल के साथ ओवरलैपिंग हेड़ा, सिग्मा बड़ और कार्बन के एसपी हाइब्रिड आरबिटाल जो है वो हर एक हाइड्रोजन के एस आरबिटाल के साथ हाइड्रोजन का हमारे पास क्या है वन एस है और उसके साथ ये हमारे पास वन एस और कार्बन का एसपी हाइब्रिड आरबिटॉल और लिपिंग से सिग्मा बांड यहां पर भी बना हुआ है यानी इच कार्बन ऑफ द रिंग इज लिंक टू अदर बाय एस हाइब्रिड ऑर्बिटल रिंग के दूसरे कार्बन मेंबर्स के साथ हाइब्रिडाइजेशन से एंड विद एस ऑर्बिटल किस चीज के साथ एस ऑर्बिटल ऑफ द सिक्स हाइड्रोजन एटम सिक्स हाइड्रोजन एटम हर कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच है जो के एसपीटो एस ओवरलेपिंग एस से सिग्मा बाढ़ बना रहे हैं द अनहाइब्रिडाइज पी आरबीटाल ओवरलेप टू फॉर्म फाइबाड स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है अन हाइब्रिडाइज्ड पी आरबीटाल है ये क्या करते हैं साइड वाइज ओवरलेपिंग से फाइबांड बनाते हैं देखो यहां पर क्या है साइड वाइज ओवरलेपिंग की है और इसी साइड वाइज ओवरलेपिंग से क्या बना है पाई बाड इसी तरह यह हमारे पास पी अनहाइब्रिडाइज आर्बिटाल है तो इन अनहाइब्रिडाइज आर्बिटाल ने साइडवाइज ओवरलैपिंग से पाई बाड बनाए हैं इसी तरह यह हमारे पास अनहाइब्रिडाइज आर्बिटाल है तो इसकी वजह से पाईबांड बना हुआ है सिक्स फाइव इलेक्ट्रॉन आर एसोसिएटेड विद ऑल द सिक्स कार्बन एटम्स एंड आर सेड टू बी डीलोकलाइज्ड स्टूडेंट्स ये फाइव इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फाइव इलेक्ट्रॉन्स ये लोकलाइज्ड नहीं है जिस तरह हम अल्कीन में स्टडी करते थे सी एच थ्री सी एच डबल बांड CH एस एच सी एच थ्री तो यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते थे ये इन दो कार्बन न्यूक्लियाई के दरमियान लोकलाइज होते थे लेकिन बेंजीन में सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है देखो दो पाई इलेक्ट्रॉन चार और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में मौजूद है लेकिन ये सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं पूरे रिंग पर क्या होते हैं डिलोकलाइज्ड होते हैं इसलिए ये कार्बन सिक्स कार्बन जो है रिंग के जितने मेंबर है सबके साथ एसोसिएटेड है द बा एंगल इज 120। ट्वेंटी में बाण एंगल कितना है 120 है हम जिस बाढ़ को बाढ़ एंगल को देख ले तो ये 120 है कार्बन कार्बन बां लेंथ इज 1.39 पॉइंट देखो स्टूडेंट्स हमार हम अगर अल्कीन को देख ले तो इसमें यहां पर दो किस्म के बाड्स हैं ए टाइप और बी टाइप यानी सिंगल बांड और डबल बांड। बेंजीन में भी हम कहते हैं कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बांड मौजूद है लेकिन बेंजीन में जितने भी बाड लेंथ है यानी कार्बन कार्बन के दरमियान उसकी बांड लेंथ क्या है 1.39, पॉइंट थ्री नाइन विच इज स्मॉलर देन कार्बन कार्बन सिंगल बाड इन अल्केन अल्केन में कार्बन कार्बन के दरमियान जो सिंगल बांड है, उससे क्या है ये सारे जो है, हम ये सिंगल कंसीडर करें या डबल कंसीडर करें इसका बाढ़ कितना है 1.39 पॉइंट है जो कि अल्केन, अल्केन में कितना होता है 1.54 पॉइंट फाइव के सिंगल बाड से बेंजीन के सिंगल बांड की बांड लेंथ कम होती है एंड ग्रेटर देन डबल बांड इन अल्कीन अल्कीन में डबल बांड की बांड लेंथ कितनी 1.34 है जबकि ये बेंजीन में कितनी 1.39 पॉइंट एंगस्ट्रम है देखो स्टूडेंट्स अल्केन के कार्बन कार्बन सिंगल बांड से स्मॉलर है अल्कीन के डबल कार्बन कार्बन डबल बांड से ग्रेटर है और जितने कार्बन सब सबके दरमियान बांड लेंथ जो है ये इक्वल है तो अब देखो वजह किया है होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह हमारे पास अलकेन में कार्बन कार्बन सिंगल बांड है 1.54 एंगस्ट्रम इसी तरह यहां पर भी कार्बन कार्बन सिंगल बांड अलकीन में कार्बन कार्बन डबल बाड जो के 1.34 पॉइंट है इसी तरह में भी कार्बन कार्बन डबल बान पॉइंट थ्री होना चाहिए लेकिन में कार्बन कार्बन सिंगल बाबन कार्बन कार्बन डबल बाड यानी जितने मेंबर्स है उनके दरमियान बाड लेंथ जो है वो इक्वल है जो कि 1.39 पॉइंट है इट इज ड्यू टू डिलोलोकलाइजेशन ज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ये डीलोकलाइजेशन की वजह से हमने पढ़ा कि जितने भी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स है दे आर एसोसिएटेड विद ऑल सिक्स मेंबर, ऑल द सिक्स कार्बन ऑफ बिंजिंदरिंग तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं डीलोकलाइज होते हैं डीलोकलाइज होते रहते हैं दो कार्बन एटम है साइडवाइज ओवरलेपिंग यहां से इधर दो कार्बन साइड साइडवाइज ओवरलैपिंग इधर साइडवाइज ओवरलैपिंग तो ये बेंजीन रिंग पर डिलोकलाइज होते रहते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं जिसकी वजह से बेंजीन रिंग की कार्बन कार्बन लेंथ अल्केन से कम और अल्कीन के डबल बाढ़ लेंथ से ज्यादा है स्टूडेंट्स इसी डीलोकलाइजेशन की वजह से हम पढ़ते हैं रेजोनेंस रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं स्टूडेंट्स जनरली हमें पता है कि अगर हमें किसी मालिक्यूल की प्रॉपर्टीज नॉन हो तो हम उनके स्ट्रक्चर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं या इसी तरह हमें अगर किसी मालिक्यूल का स्ट्रक्चर मालूम हो तो उससे हम उनकी प्रॉपर्टीज की प्रिडिक्शन कर सकते हैं किस तरह देखो ये हमारे पास एक मालिक्यूल है इस मालिक्यूल में हमारे पास सिंगल है जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है इसमें डबल कोएलन बाण मौजूद है जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया है इसमें हाइड्राक्सल ग्रुप मौजूद है तो इसी मालिक्यूल को यानी इसकी स्ट्रक्चर को देखकर हम प्रिडिक्शन करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की किस तरह देखो अगर डबल बांड मौजूद है तो इसकी वजह से हम आसानी से इसकी हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं इस डबल बांड पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर सकते हैं और इसको सेचुरेट कर सकते हैं स्ट्रक्चर को देखकर हमने इसकी प्रॉपर्टी की प्रिडिक्शन की यानी इस पर हाइड्रोजनेशन पॉसिबल है इसी तरह इस मालिक्यूल में हाइड्राक्सन ग्रुप मौजूद है इसको अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करें तो यह इस्टर फॉर्मेशन और वाटर मालिक्यूल देगा यानी ओ एच ग्रुप जो है यह इस प्रोटॉन को लेकर यह बांध इस तरफ टूट जाएगा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इस ऑक्सीजन के लून पैर यहां टेक करेगी बाढ़ टूट जाएगा तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी और रिमोवल ऑफ वाटर मालिक्यूल स्ट्रक्चर को देखकर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज की प्रिडिक्शन की इसी तरह स्ट्रक्चर को देखकर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इस कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोयलन बांध है तो इसकी बाढ़ लेंथ वन पॉइंट होगी इसी तरह इस कार्बन और इस कार्बेन के दरमियान डबल बाड है तो इसका लेंथ हमारे पास वन पॉइंट लेकिन इस किस्म की प्रेडिक्शन हम बिनजीन की स्ट्रक्चर को देखकर नहीं कर सकते क्यों देखो स्टूडेंट बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर कंपाउंड हैविंग डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या है लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन है दोनों कुलियाई के बीच है लेकिन वो सिस्टम जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज ना हो डिलोकलाइज हो तो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देकर हम इस तरह की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते बिंजीन डज नॉट गिव द प्रिडिक्टेड रिजल्ट बिंजीन को हम देखते हैं सिंगल है। कितना होना चाहिए 1.54 पॉइंट होना चाहिए जो कि नहीं है डबल है। कितना होना चाहिए 1.34 पॉइंट होना चाहिए जो कि नहीं है डबल बांड है आसानी से इसकी हाइड्रोजनेशन होगी जो कि नहीं होती डज नॉट डिकलराइज खे मेनुफोर अलकीन खे मेनुफोर को डिकलराइज करने की एबिलिटी है अलकीन में बेंजीन में भी डबल बॉन्ड मौजूद है बट डज नॉट डीकलराइज खे मेनुफोर इसी तरह डज नॉट रिएक्ट हुए ब्रोमिन सोलूशन ब्रोमिन सोलूशन से आसानी से इसका रिएक्शन नहीं होता अलकीन का हो जाता है अलकीन में भी अनसेच्योरेशन है बेंजीन में अनसेच्योरेशन है अल्कीन में भी पाई बांड मौजूद, बिन्जीन में भी पाई बांड मौजूद। अल्कीन में डबल बांड लेंथ 1.34 बिन्जीन का डबल बांड लेंथ 1.39 एंगstram। अल्केन में कार्बन-कार्बन सिंगल बांड लेंथ 1.504 एंगstram, बिन्जीन में एक सिंगल बांड लेंथ 1.39 एंगstram। इसी तरह जब हम एडिशन करते हैं तो अल्कीन पर आसानी से एडिशन हो जाती है जबकि बेंजीन पर एडिशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन होता है टेंड टू अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रदर देन एडिशन हमारे पास अलकीन है इसकी हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो यह क्या करेगा हमारे पास एडिशन हो जाएगी इस पर लेकिन बेंजीन के हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो एडिशन की बजाय क्या होगा सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी एरोमेटेसिटी डिस्टर्ब होने पर क्या होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इसी तरह एडिशन नहीं होगी बल्कि अपनी एरोमेटेसिटी को रिगेन करने के लिए क्या करेगा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा ब्रोमीन तो बेंजीन क्या करता है बेंजीन टेन टू अंडर गो इलेक्ट्रोफिलिकब्टीट्यूशन रादर देन एडिशन क्योंकि एडिशन में इसकी एरोमेटिसिटी लास्ट होती है दूसरे अल्फाज में इसकी स्टेबिलिटी लास्ट होती है तो अपनी स्टेबिलिटी को रिटेन करने के लिए यह एडिशन की बजाय सब्सटीट्यूशन को प्रीफर करेगा तो स्टूडेंट्स यहां पर तो हम स्ट्रक्चर को देखकर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की प्रिडिक्शन करते थे लेकिन बेंजीन में जब हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखा तो उसके कंपाउंड की प्रॉपर्टी की प्रिडिक्शन हम न कर सके वजह क्या है कि इसमें डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है अब क्या होगा जब एक स्ट्रक्चर से हम इस मालिक्यूल को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते तो इन सच केस वी राइट मोर देन वन स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट द एक्चुअल स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मोर देन वन स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं हम कहते हैं कि बेंजीन क्या है इसका स्ट्रक्चर यह है अब अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है यानी यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है इनके दरमियान जो साइडवाइज ओवरलैपिंग है यह ओवरलैपिंग ब्रेक हो जाए यहां पर साइडवाइज ओवरलैपिंग हो जाए तो बेंजीन का यह स्ट्रक्चर होगा यह दोनों स्ट्रक्चर जो है इसका हमारे पास बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर में थर्टी नाइन परसेंट कंट्रीब्यूशन है इनको हम केकूल स्ट्रक्चर cool कहते हैं इसी तरह अगर ये यहां पर फॉर एग्जाम्पल पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहां पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो एन पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई साइडवाइज ओवरलैपिंग हो गई तो इसी तरह हमारे पास बेंजीन का यह स्ट्रक्चर हासिल हुआ बेंजीन का ये स्ट्रक्चर हासिल हुआ यह स्ट्रक्चर हासिल हुआ इनको हम डेवर स्ट्रक्चर कहते हैं और इनमें हर एक स्ट्रक्चर का सेवन पॉइंट थ्री परसेंट कंट्रीब्यूशन है लेकिन इनको हम कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं नन ऑफ दिस कैनोनिकल फॉर्म इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन क्योंकि अगर हम कहे कि फॉर एग्जाम्पल यह स्ट्रक्चर बिंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में तो यह पाई इलेक्ट्रॉन इस दो कार्बन एटम के दरमियान लोकलाइज होंगे लोकलाइज होंगे तो डबल बार अल्किन की तरह होगी इस पर एडिशन पॉसिबल होगा लेकिन यह एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है यह कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है इनको हम खेनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं और इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ अमारिक्यूल एज वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द पॉसिबल डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म या डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉन फॉर ईट इज कॉल्ड रेजोनेंस इसको हम क्या कहते हैं रेजुनेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मारिक्यूल एज वेटेड एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉन फॉर इट इज कॉल्ड रेजोनेंस और रेजोनेंस क्या देता है बेंजीन रिंग को स्टेबिलिटी हम देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे स्टूडेंट्स रेजोनेंस हाइब्रिड हैज लोअर एनर्जी एंड इज मोर स्टेबल देन द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो हमारे पास केनोनिकल फॉर्म होते हैं उनसे रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो क्या है लोअर इन एनर्जी और मोर स्टेबल होता है देन द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड व्हाट रेजोनेंस एनर्जी और स्टूडेंट्स स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन कैन बी एस्टिमेटेड बाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हीट ऑफ हाइड्रोजेनेशन से हम बिंजीन की स्टेबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है अमाउंट ऑफ हीट इवाल वेन अ मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड टू एन अनसेचुरटेड सिस्टम यानी पाई बाड्स को हाइड्रोजन मालिक्यूल की एडिशन पर जितना हीट इवॉल्व होता है उसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं स्टूडेंट्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज 120 ट्वेंटी किलोजोल पर मोल यानी जब हम हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेगजीन करते हैं तो यह हमें 120 ट्वेंटी किलोजोल पर मोल हीट इवॉल्व करता है हमारे पास क्या है साइक्लोहेगजीन है और साइक्लोहेगजीन की हमने हाइड्रोजनेशन की साइक्लोहेगे में कन्वर्ट किया तो अमाउंट ऑफ हीट यू ऑल्ट यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना है 120 ट्वेंटी किलोजोल पर मोल यानी एक पाई बांड है इसको हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो किया इसको से जो किया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो 120 ट्वेंटी किलोजोल पर मोल हीट इवॉल्व हुआ अब स्टूडेंट्स अगर एक की बजाय हमारे पास दो बाड है एक डबल बाड है तो उससे कितना हीट इवॉल्व हुआ वन ट्वेंटी तो अगर दो डबल बाड हो वन थ्री हेक्साडाइन है तो अब दो डबल बांड की जब हाइड्रोजनेशन हो जाए तो इसका ट्वाइस हीट इवॉल्व होगा जो के टू थर्टी टू यानी ऑलमोस्ट इक्वल है यानी ट्वाइस है किस चीज का सिंगल बांड का इतना हीट अब अगर हमारे पास क्या है थ्री डबल बांड है कितने थ्री डबल बांड है एक डबल बांड की हाइड्रोजनेशन से 120 दो डबल बांड है उनकी हाइड्रोजनेशन से टू थर्टी तो, तो, तो एक्सपेक्टेड है कि तीन डबल बांड अगर हमारे पास हाइड्रोजनेशन इसकी हो जाए तो इससे 360 सिक्सटी किलोजोल मोल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इवॉल्व होगी लेकिन स्टूडेंट्स बेंजीन में यह तो हम सपोज करते हैं कि इतना हीट इवॉल्व होगा बट हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन गिव ओनली टू जीरो जब हम एक्चुअली बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करते हैं इसको में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी एनर्जी वाल होती है टू जीरो पर मोल एनर्जी वाल होती है बेंजीन है एक्चुअली हमने इसकी हाइड्रोजनेशन की इसको साइक्लोहेक्सैन में कन्वर्ट किया तो कैलकुलेटेड तो हमारे पास 360 थी लेकिन एक्चुअली टू जीरो एट पर मोल इवाल होगा यानी 152 फिफ्टी टू केलोजोल लेस देन एक्सपेक्टेड थ्री सिक्सटी एक्सपेक्टेड थी और 2.08 जीरो एट इवाल हुई वन फिफ्टी हमारे पास क्या है लेस है कैलकुलेटेड से एक्सपेक्टेड से डिफरेंस इन एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेस एनर्जी इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं और इसी रेजोनेंस एनर्जी की वजह से दिस बेंजीन मोर स्टेबल देन एक्सपेक्टेड बेंजीन की स्टेबिलिटी जो है कि वो आसानी से हाइड्रोजनेशन उसकी ब्रूमिनेशन नहीं होती वो स्टेबल है देन वन थ्री फाइव हेक्सा ट्राई इन से थोस्ट की स्टेबिलिटी क्यों है ज्यादा है बेंजीन की ड्यू टू रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी पाई जाती है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है स्टूडें हमने क्या पढ़ा हमारे पास क्या है रेजोनेंस हाइब्रिड हैज लोअर एनर्जी देन व्हाट देन कैनोनिकल फॉर्म्स कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स और एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्कॉल रेजोनेंस एनर्जी और यह रेजोनेंस एनर्जी क्या देती है बेंजीन को स्टेबिलिटी देती है और स्टेबिलिटी को हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से इस्टीमेट करते हैं और किस तरह हमने एस्टिमेट की हमने सपोज किया कि हम एक डबल बाड यानी साइक्लोहिग्जीन को हम हाइड्रोजेनेशन करते हैं उसकी तो हमारे पास वन ट्वेंटी पर मोल एनर्जी इवाल्व हुई हमने सपोज किया कि अगर दो बाढ़ हो तो हमारे पास टू थर्टी टू किलोज अगर तीन हो तो थ्री सिक्सटी पर मोल एनर्जी इवाल होगी लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमारे पास टू जीरो हुई विच इज वन लेस देन अब देखो यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी जो है डिफरेंस को रेजोनेंस एनर्जी हमने कहा और एक्चुअली जो रेजोनेंस एनर्जी है वो क्या है द डिफरेंस इन एनर्जी कार्ड रेजोनेंस एनर्जी ये डिफरेंस स्टेबिलिटी देती है बेंजीन रिंग को स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा रेजोनेंस के बारे में पढ़ा और रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ रिंग के बारे में पढ़ा आज के लिए इतना काफी है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अल्लाह हाफिज